वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और आज वीडियो का टॉपिक है, ये है आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जियोमेट्री के, और पार्ट टू है ये। इससे पहले वाला जो पार्ट है, आप यूट्यूब के मेरे जो प्लेलिस्ट का लिंक है वहाँ से जाके क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। और आज मैंने लिंक डाला है कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स का फेसबुक पेज पे, आई होप आपने डाउनलोड कर ली होंगी। यदि आपने अभी तक फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ताकि आपको जो नोट्स हैं पीडीएफ हैं वो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। काफ़ी थोड़े टिपिकल क्वेश्चन भी डाले हैं मैंने इसके लिए, आपके सीजीएल एग्ज़ाम के लिए, आने वाला है आपका सीजीएल एग्ज़ाम। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, रेशो ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगॉन इज 5:6 एंड द रेशो ऑफ देयर ईच इंटीरियर एंगल इज 24:25, देन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दीज टू पॉलीगोन आर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी हैं दोनों पॉलीगोन की। देखिए, जो इंटीरियर एंगल होता है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगोन, क्या फॉर्मूला होता है उसका, एन माइनस टू इंटू 180 डिवाइड बाय में एन, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए, आपकी पहली जो पॉलीगोन है उसकी साइड है 5x और दूसरे की कितनी है 6x, पहले की है 5x, दूसरे की है 6x। तो यहाँ पे देखिए, इन दोनों का रेशो दे रखा है, तो दूसरे की भी क्या होगी भाई, यही फॉर्मूला सेम, नीचे से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन दोनों में नंबर ऑफ साइड क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे एन की बजाय मैं यहाँ पे डायरेक्ट रख देता हूँ 5x, 5x माइनस टू इंटू 180 डिवाइड बाय में 5x, पहला पॉलीगोन ये हो गया, और दूसरा कौन सा होगा, 6x माइनस टू 180 डिवाइड बाय में 6x, सेकेंड पॉलीगोन ये हो गया। देखिए, 180 से 180 आपका कैंसिल हो गया, और 5 और ये x से आपका x कैंसिल हो गया, तो ये किसके बराबर है आपका, 24 डिवाइड बाय में 25। सो यहाँ से आपका क्या आएगा, 5x माइनस टू डिवाइड बाय में 6x माइनस टू किसके बराबर आएगा, 24 बाय 25 इंटू में 5 डिवाइड बाय में 6। तो ये कट जाएगा आपका, पंजू पंजू 25 और 6 चौके 24, किसके बराबर आएगा, 4:5 के। यहाँ से आपको सॉल्व नहीं करना है, अब यहाँ से आपको डायरेक्ट क्या देखना है, ऑप्शन देखना है। ऑप्शन में क्या देखना है आपको, कि ये 5x क्या है आपकी पहले पॉलीगोन की साइड से, और ये 6x क्या है दूसरे पॉलीगोन की साइड है। दोनों में से दो घटाने पर आपका रेशो 4:5 आना चाहिए। तो पहली साइड यदि मैं 20 लेता हूँ तो उसमें से दो घटाया 18, और दूसरी लेता हूँ 24 उसमें से दो घटाया 22, तो ये तो नहीं बनेगा 4:5। दूसरी लेता हूँ इसमें से मैं दो घटाऊंगा पहले, फिर बनेगा 13, फिर बनेगा 16, ये भी नहीं होगा। थर्ड मैं लेता हूँ इसमें से दो घटाऊंगा तो बनेगा 8, दो घटाऊंगा तो बनेगा 10, तो ये बन गया आपका 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तो पॉलीगोन की साइड क्या है, 10 और 12। ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्शन से इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है। सो ऑप्शन सी हो गया इसका राइट आंसर, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगोन इज इक्वल टू द टू टाइम्स द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ दैट पॉलीगोन, देन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दैट पॉलीगोन इज। वो क्या कह रहा है कि जो पॉलीगोन है उसका जो इंटीरियर एंगल हैं जितने, उन सभी का सम किसके बराबर है, 2 गुना सम के, किसके, जो एक्सटीरियर एंगल है उसके सम के 2 गुने के बराबर है। अब किसी भी पॉलीगोन के जो एक्सटीरियर एंगल होता है उनका सम क्या होता है, 360। 360 का आप डबल करोगे तो क्या आएगा आपका, 720। और ये किसके बराबर है आपका, सम ऑफ जो इंटीरियर एंगल है पॉलीगोन उसके। अब इंटीरियर एंगल पॉलीगोन उनका सम क्या होता है, एन माइनस टू इंटू 180, ठीक है। सो ये कट गया आपका 18 चौके 72, 4 पे n माइनस टू बराबर है 4 के, यहाँ से n क्या आ गया आपका, 6। सो ऑप्शन डी हो गया इसका राइट आंसर आपका, 6। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। ए बी सी डी इज अ साइक्लिक ट्रेपीजियम,
विद ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए बी डायमीटर ऑफ द सर्कल. इफ एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 30 देन ए डी एंगल ए डी सी इज. तो ए बी सी डी आपका एक साइक्लिक ट्रेपीजियम है. तो पहले साइक्लिक ट्रेपीजियम हम बना लेते हैं सर्कल के अंदर, जिसमें आपकी ए बी पैरेलल किसके है, डी सी के. ए बी यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि जो ए बी आपका डायमीटर है, सॉरी, तो सबसे पहले हम डायमीटर में से पास आउट करेंगे ए बी को. ये डायमीटर हो गया ए बी. ए बी पैरेलल किसके है, ए बी सी डी. ए बी पैरेलल है आपका डी सी के. अब यहां से इसने आपको एंगल दे दिया, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 30 डिग्री. एंगल सी ए डी इसने दे दिया 30 डिग्री. ये 30 डिग्री इसने दे दिया. तो बताइए एंगल ए डी सी क्या होगा. ठीक है, तो मैं इसको भी मिला देता हूं, सी को बी से. तो आप देखोगे ए बी डायमीटर है, ठीक है, और ये एक ट्रायंगल बन गई ए बी सी. अगर ए बी डायमीटर है तो एंगल ए सी बी किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के. तो ये किसके बराबर है, 90 डिग्री के. अब ये 90 है और ये 30 है, तो ये किसके बराबर होगा, 60 डिग्री के. ये किसके बराबर होगा, 60 डिग्री के. यदि मैं डी को ए से मिला देता हूँ, अब आपको पता है ए बी सी डी एक साइक्लिक ट्रेपीजियम है, तो इसके आमने सामने के जो कोण होंगे उनका जो जोड़ होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा. तो यहाँ पे देख लीजिए ये 60 है, तो ए डी सी आपका किसके बराबर होगा, 120 डिग्री के. तो यहाँ से ऑप्शन बी हो गया आपका राइट आंसर, 120 डिग्री. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डायगोनल्स ऑफ ए सी एंड बी डी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी देन इट इज ऑलवेज ट्रू दैट. ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ए बी सी डी, ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब कि एक सर्कल के अंदर है, ठीक है. और डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए सी एंड बी डी किस पॉइंट पे मिलते हैं, पी पे. तो बताइए जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से क्या ट्रू होगा. तो यहां पे आप सर्कल वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए क्या, कि डी पी इंटू में पी बी किसके बराबर है, ए पी इंटू में बी सी. अब देखिए ये आपको ऑप्शन में मिलेगा कहां पर, डी पी इंटू पी बी. डी पी इंटू में पी बी बराबर है किसके, ए पी इंटू पी सी के. तो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर, ये हमेशा ट्रू होगा भाई. तो यहाँ पे आपको क्वाड्रिलेटरल भी बनाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो. ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, द साइड ए बी इज एक्सटेंडेड टू ई इन सच अ वे दैट बी ई इज इक्वल टू बी सी. If angle ADC is 70 degree, angle BAD is 95 degree, then find the angle DCE. सबसे पहले एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम ड्रॉ कर लेते हैं. ये आपका सर्कल है, ये A है, ये B है, ये C और ये D. ये आपका हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. अब कहता है AB को एक्सटेंड कर दिया कहाँ तक, पॉइंट E तक. कहता है कि बी ई बराबर है आपका किसके, बी सी के. ये उसने दे दिया है. एंगल ए डी सी उसने आपको दिया है 70 डिग्री का, ये 70 डिग्री का है. अगर ये 70 डिग्री का है तो आपका इसके सामने वाला एंगल ऑफ कोर्स कितने डिग्री का होगा, 110 डिग्री का ये वाला. अगर ये 110 डिग्री का है तो इससे बाहर वाला एक्सटर्नल एंगल कितने का होगा, 70 डिग्री का. ये आपका हो गया 70 डिग्री का. इसको मैं इससे मिला देता हूँ. अब देखिए ट्राइंगल सी बी ई में आप देखिए कि जो आपका बी सी किसके बराबर दे रखा है आपको, बी ई के. यदि आपका एंगल सी बी ई 70 डिग्री है तो बाकी कितना बच गया एंगल, 110 डिग्री. अगर 110 डिग्री बचा है तो एंगल बी सी ई कितने का होगा, 55 डिग्री का. और एंगल बी ई सी कितने का होगा, वो भी 55 डिग्री का, क्योंकि दोनों क्या हैं, बराबर हैं. अब ये डी ए ई आपको दे दिया उसने,
बी ए डी उसने आपको दे दिया 95 डिग्री। यदि ये 95 डिग्री का है और साइकिल ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसके सामने वाला कितने का होगा, कितने का होगा, 85 डिग्री का। अगर 85 डिग्री का है तो अब आप एंगल डी सी ई का टोटल बता सकते हो, 55 + 85 कितना होगा, 140 डिग्री। सो ऑप्शन इसका ए हो गया राइट आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। इफ़ ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 13 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड इज। एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले ए बी और सी डी टू पैरेलल कॉर्ड हैं जो सेंटर से क्या है, अपोजिट साइड में है। तो मान लीजिए आपकी ये ए बी है और ये कॉर्ड है आपकी सी डी, ठीक है। तो यहां पे वो क्या कह रहा है कि ए बी है आपकी 10 सेंटीमीटर। सो यहां सेंटर से मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल देता हूं और इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल देता हूं, तो ये आपकी मान लीजिए डी है, सॉरी ई है, और ये पॉइंट आपका आ गया एफ यहाँ पर। तो ए ई आपका कितने का होगा, 5 सेंटीमीटर का, क्योंकि उसको क्या कर देता है, हाफ कर देता है यदि हम परपेंडिकुलर डालते हैं सेंटर से कोड के ऊपर। उसी तरह सी डी की वैल्यू उसने दे रखी है 24, तो सी डी तो आपकी डी एफ कितनी की हो जाएगी, 12 की। तो यदि मैं सेंटर को मिला देता हूँ, सेंटर ओ को डी से मिला देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए द रेडियस ऑफ सर्कल उसने दे रखा है 13 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट बन गया किसका, 5, 12 और 13। तो यदि आपकी डी एफ 12 है, डी ओ क्या है 13 है, तो आपकी एफ ओ कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। और सिमिलरली इस केस में 13 आपकी क्या है, ए ओ जो कि सर्कल है, सर्कल का रेडियस है, और ए ई आपकी 5 है, तो ओ ई आपकी कितनी होगी, 12। तो 12 और 5 कितना हो गया, 17 सेंटीमीटर। सो टोटल डिस्टेंस दोनों कोर्ड के बीच में कितने का हो गया, 17 सेंटीमीटर का। सो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट है आपका अ कोर्ड ए बी ऑफ सर्कल सी वन ऑफ रेडियस √3 + 1 cm टचिज अ सर्कल सी टू विच इज कंसेंट्रिक टू सी वन। इफ द रेडियस ऑफ सी टू इज √3 - 1 देन द लेंथ ऑफ ए बी इज। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक सर्कल है आपका सी वन, ये वाला, इसके कंसेंट्रिक एक सर्कल है सी टू, ये सी टू है और ये सी वन। जो कोर्ड ए बी है, कोर्ड ए बी ऑफ सर्कल सी वन, वो टच करती है सर्कल सी टू को। देख लेते हैं, जो ए बी की कोर्ड, ए बी कोर्ड है सर्कल सी वन की, वो टच करती है सर्कल सी टू को, तो ये ए बी हो गई आपकी। तो आपको बतानी है ए बी की लेंथ कितनी है। तो यहां से इस पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर यहां पे डालता हूं, ये सेंटर है आपका ओ, और ए और ओ को मैं मिला देता हूं। अब देखिए ए और ओ है जो, वो रेडियस है किसका, सर्कल सी वन का, और वो किसके बराबर है, √3 + 1 के। और जो आपका ओ, ये हमने परपेंडिकुलर डाला है, इसे मैं एम मान लेता हूँ। ओ एम आपका रेडियस है किसका, सर्कल सी टू का, वो कितना है आपका, √3 - 1। सो ये देखिए आपका ये 90 डिग्री हो गया। तो ये यहाँ पे हम पाइथागोरस अप्लाई कर देते हैं कि ओ ए का स्केयर माइनस ओ एम का स्केयर किसके बराबर होगा, ए एम के स्केयर के। हम ए एम निकाल लेते हैं, बाद में उसका क्या कर देंगे, डबल, क्योंकि हम सेंटर से जब इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं कोर्ड के ऊपर, वो उसको क्या कर देता है, दो भाग में डिवाइड कर देता है। तो इसलिए मैं ए एम निकाल लेता हूं और उसका डबल मैं कर दूंगा, तो इसकी लेंथ आ जाएगी। तो यहां पे आप देखिए √3 + 1 का स्केयर करोगे आप, और उसमें से माइनस करोगे √3 - 1 का स्केयर, तो यानी कि आप ए प्लस बी का स्केयर में से माइनस करोगे ए माइनस बी का स्केयर, तो आपको क्या मिलेगा, 4ab। ए क्या है, √3, बी क्या है, 1। सो यहाँ से ये क्या बन जाएगा आपका, 2
अंडर रूट 3 रेज टू द पावर 4। तो यहाँ से आपका ए एम आपका क्या आ गया, 2 इंटू 4 अंडर रूट 3। तो यहाँ इसका डबल कर देंगे हम, इसको 2 से गुना कर देंगे 4। तो ये आप हो गया आपका लेंथ किसकी, कॉर्ड ए बी की। सो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ सर्कल, कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई एंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सेगमेंट्स ए ई ई बी एंड ई डी आर ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देन द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आपको बताना है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, कुछ स्टूडेंट ने इसका जो फॉर्मूला है इसका रट्टा मार रखा है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को समझिए, बहुत बहुत इजी है। डायग्राम कैसे बनाना है, एक सर्कल है आपका, उसके अंदर आपकी दो कॉर्ड हैं जो आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। ये ए बी हो गया और ये सी डी हो गया। अब उसने आपको ये दोनों कौन से पॉइंट पे मीट करती हैं, ई पॉइंट पे। ए ई उसने आपको कितने सेंटीमीटर दे दिया, 2, और ई बी उसने आपको कितने सेंटीमीटर दे दिया, 6। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ए बी की टोटल लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। अब देखिए उसने आपको डी ई कितना दिया है, डी ई यानी कि ई डी उसने आपको दिया है 3 सेंटीमीटर, ई डी उसने आपको दिया है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप सी ई आसानी से निकाल सकते हो सर्कल की प्रॉपर्टी लगा करके, डी ई इंटू में ई सी किसके बराबर होगा, ए ई इंटू में ई बी। तो यहाँ से ई सी हमारा कितना आएगा, ए ई आपका कितना है 2, ई बी आपका कितना है 6, डिवाइड बाय में हम किससे करेंगे, डी ई, डी ई आपका कितना है 3। सो 3 दूनी 6, तो ये आपका कितना आ गया 4, 2 दूनी 4, ई सी आपका कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो अब देखिए ये आप मान लीजिए ये सर्कल का आपका सेंटर है ये वाला, तो देखिए मैं इस सर्कल इस सेंटर से ओ से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ ए बी के ऊपर और एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ सी डी के ऊपर। ए बी पे डाला गया परपेंडिकुलर का पॉइंट मैं एन ले लेता हूँ, सी डी पे डाला गया परपेंडिकुलर का एंड पॉइंट मैं एम ले लेता हूँ। अब सेंटर से कॉर्ड के ऊपर डाला परपेंडिकुलर उसको दो हिस्सों में डिवाइड करेगा, तो आपका एन बी कितना हो गया, 6 और 2 8 ए बी है, ए बी का हाफ किया तो एन बी, एन बी कितना हुआ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मैं ओ और बी को अगर मैं मिला देता हूँ, ओ और बी को मैं मिला देता हूँ, तो आपकी ओ एन बी एक क्या बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, जिसमें आपका ओ एन बी क्या है, एक राइट एंगल है, 90 डिग्री का कोण है। तो उसी तरह देखिए आप, अगर मेरे को एन ओ पता चल जाए तो मैं ओ बी आसानी से निकाल सकता हूँ, और ओ बी यहाँ पर आपका क्या है, सर्कल का रेडियस। ओ एन मैं कैसे निकालूंगा, तब मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाला सी डी पे पॉइंट एम जो है, तो आप मेरे को बताइए इस सी डी को दो भाग में डिवाइड करेगा, सी डी की टोटल लेंथ कितनी है 7, तो यानी कि इसको डिवाइड करेगा 7/2 में, तो आपकी जो सी एम है उसकी लेंथ कितनी हो गई, 7/2। अब मेरे को यदि ई एम की लेंथ मिल जाए, इसकी लेंथ मिल जाए, ई एम आपका किसके बराबर है, एन ओ के। ठीक है, तो ई एम किसके बराबर होगा, सी ई में से मैं एम सी माइनस कर देता हूँ, 4 में से मैं 7/2 माइनस कर देता हूँ, तो मेरे को क्या मिलेगा, 1/2। तो यहाँ पे देखिए आप ट्रायंगल ओ एन बी में, थोड़ा ऊपर मैं आपको लिख देता हूँ, ट्रायंगल ओ एन बी में ओ एन आपका क्या हो गया, 1/2, और एन बी आपका कितना हो गया, 4। तो पाइथागोरस फॉर्म लगा दीजिए इसमें, ओ बी किसके बराबर होगा, अंडर रूट 4 का स्केयर 16 प्लस 1/2 का स्केयर 1/4, 16 × 64 और 1 = 65, अंडर रूट 65, 4 का अंडर रूट करोगे तो 2 आएगा। ओ बी यहाँ पे क्या है, सर्कल का रेडियस, और डायमीटर क्या होगा इसका, 2 गुना, हमें डायमीटर बताना है, सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो √65 आपका क्या बचा, डायमीटर। सो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर।
तो आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, और अब इसका आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत भी, यानी कि जो सर्कल है उसका रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर। अ सेमी सर्कल आर डिस्क्राइब्ड ऑन ईच साइड एज अ डायमीटर। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द 4 सेमी सर्कल्स एंड द सर्कल इज। एक सर्कल है आपका, उसके अंदर क्या है, एक स्क्वायर है, उसने दिया है। ए बी सी डी, तो स्क्वायर की हर एक साइड को डायमीटर मानकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया जाता है हर साइड पर। ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है डायमीटर मानकर किसको, जो साइड है स्क्वायर की उसको। तो आपको बताना है जो रीजन बाउंड किया है सेमी सर्कल ने और सर्कल ने। तो ये आपका सर्कल है और ये क्या है, सेमी सर्कल। इसने कौन सा रीजन बाउंड किया है, ये वाला। ये सारा आपको बताना है कितना होगा, ये सारा कितना होगा, ठीक है। तो देखिए, यदि आपकी जो रेडियस है, ये मान लीजिए सेंटर है, तो यदि मैं ए और सी को मिलाता हूँ तो ये डायमीटर बन गया सर्कल का। लेकिन यदि ये डायमीटर ए सी सर्कल का डायमीटर है तो ये ए सी डायगनल भी तो है किसकी, स्क्वायर की। कितनी है, 2। और डायगनल किसके बराबर होती है, √2 ऑफ साइड के। सो यहाँ पे आपकी साइड किसके बराबर आ गई, √2 के। तो यानी कि स्क्वायर की साइड क्या आ गई, √2 के बराबर। यदि मैं स्क्वायर का एरिया निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया आपका क्या आएगा, √2 का आप स्क्वायर करोगे तो आएगा 2। अब ये जो आपका सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस कितना है, 1। और सर्कल का एरिया कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। आर करोगे, आर का स्क्वायर करोगे 1, मीन्स पाई आएगा। तो यदि मैं इस सर्कल के एरिए में से इस स्क्वायर का एरिया माइनस करता हूँ तो मेरे पास कौन सा एरिया निकल के आएगा, ये वाला जो बाउंड किया है सर्कल और स्क्वायर ने, ये वाला। तो मैं पाई में से -2 कर देता हूँ तो ये किसका एरिया आ गया, ये जो रीजन बाउंड किया है सर्कल और स्क्वायर ने। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो सेमी सर्कल बने हुए हैं चारों के चार, ठीक है, इन सभी का मैं एरिया निकाल लेता हूँ और उसमें से क्या माइनस कर देता हूँ, इसका एरिया। तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो बाउंड किया गया एरिया है सेमी सर्कल और सर्कल के द्वारा, वो वाला। कैसे करेंगे, डायमीटर क्या मान रखा है सेमी सर्कल का, साइड, ठीक है। और सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई बाय 2 इंटू साइड स्क्वायर। साइड क्या है आपकी, सॉरी, आर स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर। रेडियस क्या होगा, जो डायमीटर आपने साइड मान रखी है उसका हाफ। साइड कितनी है आपकी, √2। √2 का हाफ करोगे तो आप क्या होगा, √2/2। इसका स्क्वेयर करोगे आप तो ये क्या निकल के आएगा, पाई बाय 2 इंटू में 2/4। ये तो हमने एक सेमी सर्कल का निकाला है, ऐसे कितने हैं, 4। तो मैं इसको 4 से गुणा कर देता हूँ, तो 4 से 4 आपका कट गया, 2 से आपका 2 कट गया, तो क्या बच गया, पाई। तो जो सेमी सर्कल्स हैं उनका एरिया क्या बच गया, पाई। तो इसमें से ये वाला एरिया माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये जो एरिया बाउंड हमें निकालना है, तो पाई सेमी सर्कल का एरिया आया है सभी का, इसमें से जो ये वाला माइनस कर देता हूँ मैं, पाई। माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, तो क्या बच गया, 2 स्क्वायर यूनिट। एरिया आपका क्या बच गया, 2 स्क्वायर यूनिट। सो ऑप्शन बी हो गया इसका राइट आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एन इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर ऑन डायमीटर ए बी ऑफ सर्कल। इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड पी बी इज 12 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एन फ्रॉम द पॉइंट बी इज। यदि आप बुक में इस क्वेश्चन को देखोगे, थोड़ा एक्सप्लेन लंबा किया हुआ है। यदि आपने जो मेरा प्रीवियस जियोमेट्री का लेक्चर था, मैंने उसमें आपको एक रिलेशन बताया था, यदि आपने वो याद किया है तो ये क्वेश्चन आपका 2 सेकेंड का भी नहीं है। तो
सबसे पहले देख लेते हैं डायग्राम बना के क्वेश्चन क्या है। एक सर्कल है आपका, डायमीटर उसका क्या है, ए बी, ये ए बी उसका डायमीटर है। पी कहीं सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट है सर्कल के यहां पर, और उससे एक परपेंडिकुलर डाला जाता है, उसका फुट क्या है, एन, यानी कि ये पॉइंट क्या है, एन। तो आपको बताना है कि बी एन की वैल्यू बतानी है, मींस ये जो एन पॉइंट है वो पॉइंट बी से कितनी दूरी पर है। तो मैं ए पी को मिला देता हूं और पी बी को मैं मिला देता हूं, और बी एन आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, ये ध्यान रखिएगा। ए बी की वैल्यू उसने आपको कितनी दे रखी है, 14, क्योंकि रेडियस कितना है, 7, तो डायमीटर कितना हो गया, 14। और पी बी की वैल्यू उसने आपको कितनी दे रखी है, 12। पी बी की वैल्यू उसने आपको कितनी दे रखी है, 12। तो ये आपकी एक ट्रायंगल बन गई, ये वाली, इसमें जो ए पी बी है एंगल, ए पी बी है एंगल, वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, क्योंकि ए बी क्या है, डायमीटर है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस ट्रायंगल को मैं आपको ऐसे बना के दिखा सकता हूँ, ये हो गया आपका, ये तो आपका डायमीटर हो गया ए बी, और ये फुट हो गया परपेंडिकुलर का एन, और ये आपका पॉइंट हो गया पी, और उसने आपको पी बी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 12। पी बी की वैल्यू उसने दे रखी है 12, और वो आपसे पूछ रहा है एन बी की वैल्यू क्या होगी, एन बी की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से आप, मैंने आपको रिलेशन बताया था, यदि आपको एन बी निकालना है तो क्या निकलेगा, पी बी का स्क्वेयर डिवाइड बाय में ए बी। तो पी बी का स्क्वेयर, पी बी कितना है, 144, सॉरी 12 है, 12 का स्क्वेयर करोगे 144, और ए बी, ए बी क्या है आपका, जो डायमीटर है, ठीक है, यानी कि इस ट्रायंगल की क्या है, हाइपोटेन्यूस है, उसकी वैल्यू कितनी है, 14। सो 2 × 14 = 2 × 4, तो 72/7 आ गया, और ये हो गया आपका 10 / 2/7 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे देख लीजिए, 72/7, ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर। द एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट इट्स सेंटर इज 60, देन द रेशो बिटवीन कॉर्ड एंड रेडियस इज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये आपका सर्कल है, कहता है एक कॉर्ड है जिसने सेंटर पे एंगल कितने डिग्री का बनाया है, 60 डिग्री का बनाया है। तो ये एंगल आपका 60 डिग्री का है, तो ओ ए आपकी बराबर है किसके, ओ बी के, क्योंकि दोनों क्या हैं, रेडियस हैं। और यदि इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो ऑफकोर्स ये एंगल भी कितने का होगा, 60 डिग्री का, और ये एंगल भी कितने का होगा, 60 डिग्री का। इसका मतलब आपका ओ ए बराबर है ओ बी बराबर है ए बी के। तो यहाँ से रेशो क्या आएगा, रेडियस बिटवीन कॉर्ड एंड रेडियस, तो क्या आएगा, 1:1 आएगा, क्योंकि सभी क्या हैं, इक्वल हैं। सो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। ए बी सी, ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन सर्कल, 4 पॉइंट्स हैं सर्कल के ऊपर। ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई सच दैट एंगल बी ई सी इज इक्वल टू 130 डिग्री, एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 20 डिग्री, बताइए एंगल बी ए सी कितना होगा। ये कोण हो गई ए बी, और सॉरी ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, ये हो गई ए सी, और ये हो गया बी डी, सच दैट एंगल बी ई सी इज इक्वल टू 130 डिग्री। एंगल बी ई सी, ये ई पॉइंट है जहां पर ये कट करते हैं, ये आपका 130 डिग्री का है। यदि ये 130 डिग्री का है, तो बताइए एंगल बी ई और ए कितने डिग्री का होगा, 50 डिग्री का। 50 डिग्री का क्यों होगा, क्योंकि ए सी आपकी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। अब मैं ए और बी को मिला देता हूं, और डी और सी को मिला देता हूं, और ए और डी को मिला देता हूं। अब देखिए, बेस आपका ए डी है, इस पे दो ट्रायंगल बनी हुई है,
ठीक है, उसने क्या दिया है आपको, एक एंगल दिया है ई सी डी, उसने 20 डिग्री दिया है, ई ए रहा, सी ए रहा, डी ए रहा, ये उसने क्या दिया है, 20 डिग्री दिया है। तो देखिए एक ही बेस पे दो ट्रायंगल बन रही है सर्कल के ऊपर, ये आपका 20 है, तो ये भी क्या होगा फिर 20 डिग्री होगा, ये भी क्या होगा आपका 20 डिग्री होगा। और पूछा क्या एंगल है उसने, बी ए सी, तो ये आपका पॉइंट बी और ये ए और ये सी, ये कितने डिग्री का होगा फिर। तो ट्रायंगल देखिए आप, ट्रायंगल में देखिए ए बी ई ट्रायंगल में ये 50 डिग्री है, बी ई ए और ई बी ए कितने का है आपका 20 डिग्री का, तो 50 और 20 70, तो बी ए ई कितने का होगा 110 डिग्री का। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है आपका, ईच ऑफ द सर्कल ऑफ इक्वल रेडियाई विद सेंटर ए एंड बी पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ वन अनदर सर्कल, दे कट एट सी एंड डी, देन एंगल डी बी सी इज इक्वल टू। दो सर्कल हैं, सेम रेडियस है, एक दूसरे के सेंटर से पास आउट करते हैं, ये सेंटर हो गया इसका, ये इसके सेंटर से पास आउट करेगा और ये सेंटर हो गया इसका, इन दोनों को यदि मैं मिलाता हूँ, ठीक है, तो ये पॉइंट है आपका सी और ये पॉइंट है आपका डी जहाँ पर दोनों कट करते हैं, इनको मैं मिला देता हूँ ए और बी। तो बताइए ए बी क्या है, ए बी क्या है भाई, रेडियस है, ठीक है, दोनों सर्कल का, चाहे आप इस वाले सर्कल का बोल लीजिए चाहे इस वाले सर्कल का बोल लीजिए। और ए और सी को मैं मिला देता हूँ, ये भी क्या है सर्कल का रेडियस है। बी और सी को मैं मिला देता हूँ, ये भी क्या है सर्कल का रेडियस है। इसका मतलब आपका ए बी बराबर है, बी सी बराबर है और ए सी बी बराबर है, तो तीनों एंगल इसके अंदर कितने के होने चाहिए, 60-60 डिग्री के। सिमिलरली मैं नीचे मिलाता हूँ डी से ए और बी को, तो यहाँ पे भी ये क्या बनेगा 60-60 डिग्री का, तो आपका एंगल डी बी सी कितने डिग्री का हो गया 60, ये हो गया 60, ये हो गया, टोटल कितने हो गए 120 डिग्री। सो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, 120 डिग्री। ए बी एंड सी आर थ्री पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 5√2 सेंटीमीटर एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। एक सर्कल है आपका, इसके ऊपर तीन पॉइंट हैं ए बी और सी, ए बी और ए सी आपके बराबर है, यानी कि मान लीजिए ये पॉइंट ए है तो ये आपका बी हो गया और ये आपका क्या हो गया सी हो गया। और उसने ये भी बोला है कि जो एंगल बी ए सी है वो 90 डिग्री का है, यदि एंगल बी ए सी 90 डिग्री का है तो जब मैं बी और सी को मिलाऊंगा तो ऑफकोर्स वो सेंटर से पास करेगा, ठीक है। तो उसने आपसे पूछ लिया क्या, जो सर्कल का रेडियस है वो उसने पूछ लिया, तो ए बी उसने दे दिया आपको 5√2 और ए सी भी क्या है फिर 5√2 क्योंकि दोनों बराबर हैं, और बी ए सी आपकी क्या है एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें आपका एंगल बी ए सी किसके बराबर है 90 डिग्री के। तो पाइथागोरस लगा दीजिए आप इसमें, ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा बी सी के स्क्वायर के बराबर, तो यदि मैं 5√2 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आएगा 50। सिमिलरली यहाँ पे ए बी का स्क्वायर करूँगा मीन्स 5√2 का स्क्वायर करूँगा आएगा 50 और इसका मैं अंडर रूट करूँगा तो ये किसके बराबर है बी सी के, 50 50 100 अंडर रूट करूँगा तो आएगा 10 किसके बराबर है बी सी के। अब बी सी तो आपका क्या है डायमीटर है, हमें बताना क्या है रेडियस, तो आप जल्दी जल्दी में 10 पे टिक मार्क मत कर देना एग्जाम के अंदर। रेडियस कैसे निकलेगा, 2 से डिवाइड किया 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 हो गया आपका आंसर सी। सो आई होप ये भी समझ आया होगा आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, टू सर्कल्स हैविंग रेडियाई आर यूनिट्स इंटरसेक्ट ईच अदर इन सच अ वे दैट ईच ऑफ देम पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अदर देन द लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड इज। अभी मैंने किया था, आपने देखा होगा कि दो सर्कल जब सेंटर से पास करते हैं सेम रेडियस के तो ये आपकी क्या होती है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है ये वाली। ए बी सी और ये पॉइंट हो गया डी, तो इसको मैं इससे मिलाता हूँ। देखिए
सी और डी को आप मिला दीजिए, तो आप बताइए इस पॉइंट को आप मान लीजिए ओ, सी ओ, सी ओ क्या है, ट्रायंगल ए बी सी आपकी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सी ओ आपकी क्या है, इस ट्रायंगल की हाइट है, तो हाइट क्या होती है, रूट थ्री बाय टू साइड ऑफ जो होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की ए। अब देखिए सी ओ क्या है आपकी, हाफ होती है, हमें निकालनी है सी डी जो कि कॉमन है कोर्ड दोनों की, इसको मैं क्या कर देता हूँ, दो से गुना, दो से दो कट गया आपका, तो क्या आया रूट थ्री ए। ए यहाँ पे क्या है, साइड है, और साइड इसने क्या दे रखी है, आर सेंटीमीटर, सो ये रूट थ्री आर आपका क्या हो गया, कॉमन कोर्ड की लेंथ हो गई, सो ऑप्शन बी हो गया इसका राइट आंसर। सो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। टू सर्कल विद सेंटर ए एंड बी और रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली टच ईच अदर इंटरनली, दोनों इंटरनली एक दूसरे को टच करते हैं। सो एक बार डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी मीट्स द बिगर सर्कल इन पी एंड क्यू, देन द वैल्यू ऑफ पी क्यू इज, तो देखिए ये जो छोटे वाला सर्कल है इसका रेडियस होगा इस पॉइंट पे, तो यहां से यहां कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर, और जो बड़े वाला है उसका कहां पर होगा, यहां पर, तो यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी टोटल 5। ये आपका डी है, ये आपका ए है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करोगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करोगे तो इससे पास आउट होगा, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, ये इसने टच किया P से, इसने टच किया Q से, तो बताइए जो वैल्यू होगी P Q की वो कितनी होगी। तो देख लीजिए, निकाल लेते हैं इसको भी, तो यदि मैं P और A को मिला देता हूँ ठीक है, और ये पॉइंट है आपका N, ये क्या है N, देखिए यहां से लेकर A से लेकर और यहां तक, इसको आप C मान लीजिए, इस वाले पॉइंट को A C कितना है आपका टोटल 5, और B C आपका कितना है 3, तो 5 में से 3 गया कितना आया 2 ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो AB है वो किसके बराबर है 2 के, और आपने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दिया तो यानी कि ये फिर डिवाइड हो गया ए बी आपका ए एन और एन बी में, तो आपका ए एन कितना है 1, तो यहां से देखिए आपका जो एंगल ए एन और पी है वो क्या है 90 डिग्री का, तो इसमें पाइथागोरस लगा दीजिए आप। पाइथागोरस कैसे लगाएंगे, हमें किसका निकालना है पी एन का, पी एन की वैल्यू हमें निकालनी है, तो AP का स्क्वेयर, AP आपका क्या है बड़ा सर्कल है, बड़े सर्कल का स्क्वेयर कितना होगा, बड़े सर्कल के रेडियस का स्क्वेयर कितना होगा, 5 का स्क्वेयर करोगे 25 माइनस AN का स्क्वेयर, AN कितना है 1, 1 का स्क्वेयर करोगे क्या आएगा 1 अंडर रूट में, और ये किसके बराबर है PN के, तो यहां से आ गया 24, 24 का अंडर रूट क्या होगा 6 गुना 4 2 रूट 6, तो ये तो वैल्यू है आपकी पी एन की, और इसका 2 गुना मैं कर दूंगा तो आपकी क्या आ जाएगा पी क्यू, वो किसके बराबर होगा 2 गुना 2 2 रूट 6 4 रूट 6, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आपका डी। एक बार मैं आपको डायग्राम दोबारा बना के बता देता हूं, ये सर्कल है 2, यहां से यहां तक ये इसका सेंटर है, यहां से यहां तक तो है 3,
और इसकी टोटल डायमीटर 6 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो बड़े वाला सर्कल है उसका जो सेंटर होगा इस छोटे वाले सर्कल के अंदर लाई करेगा, ये तो कंफर्म है। तो उसका सेंटर मान लीजिए यहाँ पर है, ये ए है और ये बी है, और यहाँ से जहाँ से हमने शुरू किया है इसको मैं सी मान लेता हूँ, इन दोनों को भी मिला दिया मैंने, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हुआ तो ए बी को डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, कहाँ पे जाके मिला बड़े सर्कल को, पी पे और नीचे क्या ऊपर, तो ए बी जहाँ पे बाइसेक्ट हुआ जिस पॉइंट पे वो मैंने एन मान लिया, ए सी आपका टोटल कितना है 5, बी सी आपका टोटल कितना है 3, इसमें से माइनस कर दिया मैंने तो किसकी वैल्यू आई ए बी की, ए बी आपका कितना आया 2, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया तो किस में डिवाइड हुआ ए एन रेशो एन बी में, ए एन की वैल्यू क्या आई 1 और एन बी की वैल्यू क्या आई 1, क्योंकि ए बी आपका क्या है 2, ये भी 1 हो गया ये भी 1 हो गया, यहाँ से मैंने ए पी को मिला दिया। अब ये देखिए आपका एंगल ए एन पी क्या है 90 डिग्री का है, तो इसमें पाइथागोरस लगा दिया मैंने, पी एन किसके बराबर हो गया अंडर रूट ए पी स्क्वेयर माइनस ए एन स्क्वेयर, और यहाँ पे ए पी किसके बराबर है, ए पी है आपका रेडियस किसका बड़े वाले सर्कल का जो कि है 5 सेंटीमीटर। सो यहाँ से वैल्यू निकाल दी, पी एन हमने निकाल लिया और उसका डबल कर दिया तो क्या आया पी क्यू की वैल्यू आ गई। सो आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। पी एन क्या हुआ, टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर एट ओ, आर इज अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क ऑफ द सर्कल बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड क्यू, द टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट पी एंड क्यू मीट ईच अदर एट द पॉइंट एस, इफ एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू 20 डिग्री देन फाइंड द एंगल पी आर क्यू। सिंपल है ये भी, ये सर्कल है इस पे कहीं पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्यू है, आर है जो पी और क्यू के बीच में माइनर आर्क पर लाई करता है, माइनर आर्क ये वाली हो गई, यहां पे मान लीजिए आर है। अब कहता है कि एक टेंजेंट पी और क्यू से आप ड्रॉ करते हो, एक पी से ड्रॉ करते हो क्यू से, दोनों मिलती हैं कहां पर पॉइंट एस पर, तो यदि आपका एंगल पी एस क्यू 20 डिग्री है, यदि एंगल पी एस क्यू 20 डिग्री है तो बताइए एंगल पी आर क्यू कितना होगा। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट है सेंटर हो गया, ओ और पी को मैं मिला देता हूँ, ओ और क्यू को मैं मिला देता हूँ, तो ये एंगल कितने का है भाई 90 डिग्री का है, ये आपने पढ़ रखा होगा, और ये एंगल भी कितने का बनेगा फिर 90 डिग्री का। तो यदि ये एंगल 90 डिग्री का है और ये एंगल 90 डिग्री का है तो सामने वाले दोनों कोणों का योग क्या हो गया 180 डिग्री, सामने वाले दोनों कोणों का योग क्या हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री है और ये कितना है 20 डिग्री, तो टोटल कितना हो गया 200 डिग्री, और जो आपका ये क्वाड्रिलेटरल होता है उसके चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, बचा कितना 160 डिग्री, तो ये कितना हो गया 160 डिग्री। तो मैं पी आर और क्यू को मिला देता हूं, ठीक है, तो यहां पे आप देखिए आपको अब बताना है पी आर क्यू की वैल्यू क्या होगी, पी आर क्यू की एक पॉइंट मैं यहां पर ले लेता हूं मान लीजिए टी, तो यदि मैं पी टी और क्यू को मिला देता हूं तो आप देखिए जो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया पी आर क्यू टी, पी आर क्यू टी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, और यहां पे आप देखिए आपका एंगल पी ये सेंटर मान लीजिए ओ है, पी ओ क्यू 160 डिग्री है जो कि सेंटर पे बना हुआ है, तो यहां पे देखिए ऊपर मेजर सेगमेंट में पी टी क्यू किसके बराबर होगा फिर 80 डिग्री के, ये 80 डिग्री हो गया, और पी टी क्यू आर आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो पी टी क्यू यदि 80 डिग्री है तो इसके सामने वाला कौन कौन सा है क्वाड्रिलेटरल में, ये वाला पी आर क्यू, तो ये कितने का होगा फिर 180 में से 80 घटा दीजिए 100 डिग्री का, सो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा, क्वेश्चन क्या था कि पी एंड क्यू आर टू पॉइंट ऑन सर्कल विद सेंटर एट ओ, आर इज अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल, माइनर आर्क पे हमने ये पॉइंट ले लिया आर, बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू,
पी एंड क्यू के बीच में, द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट पी, एक टेंजेंट पी से और एक टेंजेंट क्यू से कहाँ पर मिलती है, एस पर। उसने आपको दे दिया पी एस क्यू 20 डिग्री, तो आपको बताना था जो पी आर क्यू है वो कितने डिग्री का होगा। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 7 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, देयर सेंटर बींग 13 सेंटीमीटर अपार्ट, देन द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल बिटवीन द पॉइंट इज। भाई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला सभी ने याद कर रखा है, डी इज इक्वल टू अंडर रूट जो डिफरेंस होता है उसका स्क्वेयर, जो सेंटर के बीच का डिफरेंस होता है कितना होता है, 13 यहाँ पे आपको दे रखा है, तो 13 का स्क्वेयर 169 माइनस क्या करेंगे, बड़ा बड़ा रेडियस होगा, बड़ा रेडियस कौन सा है 7, उसमें से छोटा रेडियस माइनस कर देते हैं यानी कि 2 और उसका भी स्क्वेयर है कर देते हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा 169 माइनस 7 में से 2 गया 5 का स्क्वेयर 25, तो ये आपका क्या आ गया 144 और यानी कि 12। सो ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर, जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है उसकी वैल्यू क्या हो गई 12 सेंटीमीटर। भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट डिफरेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ सर्कल का स्क्वेयर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वेयर, ये होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला। द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 15 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ इट्स इंस्क्राइब्ड सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका आया था 2013 का क्वेश्चन है ये प्री का। भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका जो सर्कम रेडियस है यानी कि हाइपोटेन्यूज का हाफ है वो 15 है, तो यानी कि पूरी हाइपोटेन्यूज कितनी हो गई 30, तो एक साइड तो मिल गई हमें। जो उसका इन रेडियस है यानी कि इंस्क्राइब्ड जो इसके अंदर सर्कल है उसका रेडियस है 6, तो बताइए साइड्स आपको बतानी है इस ट्रायंगल की क्या होंगी। तो सबसे पहले आपको पता है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको चूज करना पड़ेगा चार ऑप्शन में से कौन सा है, तो देखते हैं हम यहाँ पे एक ही पाइथागोरस ट्रिपलेट कौन सा होगा, इसको देख लेते हैं 30, 40, 41। यदि ये 30 है इसका हाफ करोगे 15, तो ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है क्योंकि 40 का स्क्वेयर करोगे 1600 और 30 का स्क्वेयर करोगे 900 तो आएगा 2500, ये तो नहीं होगा। 18, 24, 30 इसको देखिए आप, 30 सबसे बड़ी साइड है, इसका हाफ करोगे 15, ठीक है, लेकिन इन रेडियस कैसे चेक करेंगे, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था इसके अंदर R इज इक्वल टू ये साइड है A, ये है B और ये है C, मीन्स ए बी डिवाइड बाय में A प्लस बी प्लस सी, तो 18 गुना 24 डिवाइड बाय में तीनों साइड का सम, तीनों साइड का सम कितना होगा 18 और 24 कितना हो गया 42 और 3 72, 24 ये 72 और 3 छिके 18, तो यहाँ से इन रेडियस कितना आ गया 6 सेंटीमीटर और सरकम रेडियस कितना है हमारा 15, तो ये आपका ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो आई होप ये भी समझ आया होगा आपको। पी क्या ओ इज़ अ कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, द टेंजेंट एट पी एंड क्या इंटरसेक्ट अ पॉइंट टी एट पॉइंट टी, द लेंथ ऑफ टी पी इज। ये भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है एसएससी के अंदर। पी क्यू एक सर्कल की कोड है जिसकी लेंथ कितनी है आपकी 8 सेंटीमीटर, तो पी क्यू से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये आपके फिर पॉइंट हमें यहां ले लेते हैं पी और क्यू, पी से टेंजेंट ड्रॉ करी, क्यू से टेंजेंट ड्रॉ करी, किस पॉइंट पे मिली टी पर, आपको टीपी की लेंथ बतानी है, ये आपका पॉइंट ओ है, ये ओपी हो गया, मैं ओ और टी को भी मिला लेता हूँ, तो देखिए आपने पॉइंट ओ से परपेंडिकुलर डाला किसके ऊपर पी और क्यू के ऊपर, इसको दो भाग में ये डिवाइड कर देगा कोर्ड को, अगर पी क्यू की वैल्यू 8 है तो ये आपकी ये वाली 4 हो गई, मैं इसको मान लेता हूँ एन,
इसको मैं एल मान लेता हूँ, तो ओ एन पी आपकी एक ट्रायंगल हो गई, ओ पी टी आपकी एक ट्रायंगल हो गई, जिसमें पी एन किसके बराबर है 4 के और ओ पी बराबर है किसके 5 के। तो ओ पी एन में देखिए आप, ये 5 है और ये 4 है, तो ये कितनी हो गई पाइथागोरस ट्रिपलेट से 3, ये कितनी हो गई, ओ एन कितनी हो गई 3। अब एक बार देखिए आप, ट्रायंगल ओ पी टी, ट्रायंगल ओ पी टी, ओ पी टी में एंगल ओ पी टी कितना है 90 डिग्री का है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ओ एन पी के, ओ एन पी के, क्योंकि एक साइड दोनों में कॉमन है और एक एंगल कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है। तो यहां से आप देखिए पी टी डिवाइड बाय में ओपी किसके बराबर है, एनपी, एनपी कितना है 4, और पहले लिख ही देता हूं मैं एनपी, और डिवाइड बाय में ओएन। तो पीटी आपको निकालना है, पीटी बराबर हो गया आपका, एनपी की वैल्यू क्या है 4, ओएन की वैल्यू क्या है 3, और यहां पे ओपी की वैल्यू क्या है 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितनी आएगी 20/3। तो पीटी यानी कि टीपी की वैल्यू आपकी क्या हो गई 20/3 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए हो गया इसका राइट आंसर। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट आपके जियोमेट्री के। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिसका SSC CGL का एग्ज़ाम है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो वीडियो की अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहे। प्लस आप फेसबुक पेज विजिट ज़रूर कीजिए, जो आपको PDF लगती है इंपॉर्टेंट वहाँ से डाउनलोड कीजिए, वहाँ से रिविज़न कीजिए। और मैंने आज PDF डाला है, 201 वर्ड का PDF डाला है, जो मैंने लेक्चर बनाया था उसमें 201 वर्ड डिस्कस किए थे, उसका भी PDF मैंने डाल दिया है। सो फेसबुक पेज को लाइक भी कीजिए, फॉलो भी कीजिए, और वहाँ पे विजिट भी कीजिए, PDF डाउनलोड कीजिए और अपनी रिवीजन कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।